बलरामपुर के कुमसी में राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने और उनके निवास को खाली कराने, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेसी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कुसमी के अस्थायी कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस के खट्टा आदरणीय बहादुर राम जी और इस कार्यक्रम के प्रभारी राजेंद्र भगत सर जी ने प्रेस वार्ता की। कार्यक्रम के प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेसी बहादुर ने प्रेस वार्ता के दौरान आज के प्रभारी राजेंद्र भगत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी के ऊपर ये सारी कार्यवाही द्वेषवश है। जो मानहानि की कार्यवाही की गई और जो सजा सुनाई गई वह भी नियम पूर्वक नहीं हुई। उन्होंने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए बिना टिप्पणी के कहा कि ये जो सजा हुई है गलत हुई है। साथ ही ये भी कहा कि न्यायालय के निर्णय के बाद तत्काल उनका निवास खाली करा दिया गया, जो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है। जो अपन लोग उसमें विकासखंड के सारे कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण जो है हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी के दिशा निर्देश पे राहुल जी के साथ जो अन्याय हुआ उसके विरुद्ध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं? उद्देश्य ये लेकर कि राहुल के साथ जो भी हुआ ये भारत के इतिहास में 75 साल में साथ पहला बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एक देश के एक राष्ट्रीय नेता जिन्होंने देश की जनताओं की आवाज़ उठाता रहा, जिनकी आवाज़ को बंद करने के लिए लोगों ने जो है उनका सदस्यता समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि उनकी घर तक खाली कर दिया, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि देश में राहुल गांधी की जो आवाज़ है उसको दबाने का काम मोदी सरकार के द्वारा कर रहे हैं। मोदी सरकार को देखिए, संसद में बैठे जब भी आवाज़ उठाते हैं तो कभी उनका माइक बंद कर दिया जाता है और अडानी को बचाने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है और उनकी जो सदस्यता रद्द की है उसके लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके लिए निरंतर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आज देख सकते हैं कि भाजपा किस तरीके से राहुल गांधी से डरी हुई है। आज यहाँ तक ये नौबत आ गया है कि उनको उनका घर उनका बंगला खाली कराने को कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उनके साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं और देश के हित में बात करेंगे। और भाजपा सरकार अभी 2023-24 की जो लड़ाई है इसमें वो फेल खा रही है, उसको लेकर आज हम लोग प्रेस सारी लड़ाई अडानी को बचाने का है। और जिस प्रकार का राहुल गांधी के साथ मोदी सरकार उनके जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जिस प्रकार उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, 2024 का जो चुनाव है जिस प्रकार से अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी का माहौल देखने को मिला, इससे भाजपा सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। इसलिए उनके साथ रातों रात तत्काल उनको सदस्यता रद्द कराया गया, उनको बंगला का खाली कराने का आदेश दिया गया और इसी प्रकार उनको अभी 8 साल का उनका जो चुनावी है लड़ने का उनको रद्द कराने की उनकी मांग है।